नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, देवी शक्तियों को आकर्षित करती है ये हैबिट्स, सुनिए आप में कितनी है। जिस घर में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, वह सभी देवी शक्तियाँ अपना स्थाई बसेरा बनाती हैं। घर की पूजा, घर से संबंधित छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से पूजन का श्रेष्ठ फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आकर घर में धन धान की वर्षा करती हैं। प्रत्येक हिंदू घर में अपने इष्ट के लिए पूजनीय स्थान की स्थापना की जाती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ घरों में छोटे छोटे मंदिर बनवाए जाते हैं, तो कुछ में देवी देवताओं के भव्य स्वरूपों की स्थापना की जाती है। सुबह और शाम को घर के मंदिर में पूजा करने से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी आदतें हैं जो देवी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। सर्वप्रथम तुलसी को घर में स्थापित करें, क्योंकि तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं और भारत के हर भाग में सहज उपलब्ध हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं, वह घर सूना समझा जाता है। तुलसी का स्पर्श कर घर में प्रवेश करने वाली वायु साक्षात अमृत होती है, दैहिक स्वास्थ्य को सिद्ध करती है। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाने से ना केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अपितु इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान की वृद्धि करते हैं। जिस घर में एकांशी नारियल की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का कृपा होती है, अन्न व धन की कभी कमी नहीं आती है। गोबर में लक्ष्मी का वास होने से इसे गोबर अर्थात गौ का प्रदान कहा जाना ज़्यादा उचित होगा। गोबर से लिपे जाने पर ही भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त होती है। गोबर से बने उपलों का यज्ञशाला और रसोई घर दोनों जगह प्रयोग होता है। मानता है जिस जगह को प्रतिदिन गाय के गोबर से लीपा पोता जाता है, वह जगह हमेशा पवित्र रहती है और उस स्थान में माँ लक्ष्मी सर्वदा निवास करती है। ऐसे घर को धन दौलत से समृद्ध करती है माँ लक्ष्मी। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा करना शुभता का संचार करता है। मंदिर का दरवाज़ा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा घर में प्रतिमाएं कभी भी प्रवेश द्वार के सम्मुख नहीं होनी चाहिए। घर में मंदिर की स्थापना करने से पूर्व ध्यान रखें कि वहां सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आसानी से आ जा सके। ऐसा करने से ऊपरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। प्रातः और संध्या पूजन के समय पूरे घर में घूमकर घंटी बजाएं। ऐसा करने पर घंटी की आवाज़ से नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। इस उपाय से घर पर देवी शक्तियों की विशेष कृपा होती है। पूजा घर को साफ करने का झाड़ू पोछा भी अलग ही रखें। जिस कमरे कपड़े से भवन के अन्य हिस्से का पोछा लगाया जाता हो, उसे पूजा घर में प्रयोग में ना लाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।